नागपुर शहर में करीब 8 लाख हिंदी भाषी मतदाताओं का नाम मतदाता यादी में दर्ज होने के बाद भी गत 2 विधानसभा चुनाव से एवं 3 लोकसभा चुनाव से किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल द्वारा किसी भी हिंदी भाषी व्यक्ति को उम्मीदवारी नहीं दी गई है। इस आक्रोश के कारण समग्र हिंदी भाषी समाज आक्रोशित है और इसका प्रकटीकरण करने के लिए समस्त हिंदी भाषी समाज के लगभग 1500 से 2000 नागरिकों एवं समस्त राजनीतिक दलों के हिंदी भाषी नेताओं द्वारा अपना अधिकार प्राप्त करने हेतु विरोध प्रदर्शन का आयोजन माहौरी लॉन गिट्टी खदान चौक परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम में शिवसेना उपाटा नेता नितिन तिवारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद से शैलेंद्र तिवारी, कांग्रेस पार्टी से शैलेश पांडे, अभिजीत झा, भाजपा से अर्चना पाठक, जयप्रकाश पारिक सहित दूसर वैश्य समाज से रवि गुप्ता, भोई समाज से अशोक नायक, प्रजापति समाज से चंदन प्रजापति, लोहार समाज से संजय लोहार के अलावा पासी समाज, धोबी समाज, कला समाज, कसार समाज, केसरवानी समाज, कानी कुब्ज हलवाई समाज, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, जैन समाज, क्षत्रिय समाज, राय समाज, छत्तीसगढ़ समाज, शाहू समाज, यादव समाज सहित समस्त हिंदी भाषी समाज के गणमान्य नागरिक भारी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता तथा कामकाज नेता केदारनाथ पांडे ने किया। मंच के सभी नेताओं ने पश्चिम की सीट से उम्मीदवार अगर हिंदी भाषी रहेगा तो हम पार्टी के दायरे से बाहर निकलकर उसका प्रचार करेंगे, यह प्रतिपादित किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि समस्त विदर्भ में एकमात्र हिंदी भाषी नेता ने हिंदी भाषी बाहुल्य पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी मांगी। इस कारण अन्य राजनीतिक पक्ष के हिंदी भाषी नेताओं ने यहां से उम्मीदवारी नहीं मांगी, परंतु दमदार उम्मीदवार होने तथा जीतने की शत प्रतिशत संभावना के बावजूद उस राजनीतिक पक्ष ने उन्हें उम्मीदवारी नहीं दे रहे ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए हमारा समस्त समाज नाराज है और हम सब राजनीतिक पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता अभी भी 2 दिनों तक राहत देखेंगे। इसी बीच किसी भी पक्ष ने यदि हिंदी भाषी समाज के व्यक्ति को विधानसभा का टिकट या फिर विधान परिषद में नामांकन का वादा नहीं किया तो हमारे समस्त समाज बंधु इस चुनाव में नोटा का बटन दबाएंगे। इस कार्यक्रम में हिंदी भाषी महिला पुरुष भारी संख्या में उपस्थित थे। सबकी एक राय बनी कि हम 2 दिन का संयम रखेंगे, उसके बाद भी हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो हमारा समाज हर प्रभाग अनुसार सभा का आयोजन करेगा तथा पूरी ताकत के साथ समस्त समाज बंधुओं से नोटा का बटन दबाने का संकल्प लेंगे। इस सभा का संचालन जगदीश अग्रवाल ने किया। समारोह के समापन से पूर्व सभी नागरिकों ने हिंदी भाषा को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर नोटा का बटन दबाने की शपथ ली। हमारे सभी पश्चिम नागपुर के मैं बोलना चाहूँगा कि हिंदी भाषी, महाराष्ट्रीय हिंदी भाषी, जो कि हमारा जहाँ पे जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, हमारी एक कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। हम लोगों का यहाँ पे आज एक सम्मेलन था, हम लोगों के मन में एक विषय था, ये विषय सब लोगों ने मिलकर रखा कि नागपुर शहर में 33% हिंदी भाषी जो पश्चिम नागपुर में हैं, तो 33% का कोटा रहने के बावजूद, 33% लोग रहने के बावजूद अगर किसी भी कोई भी पार्टी अगर हिंदी भाषी को टिकट नहीं देती है तो मुझे लगता है कि ये हिंदी भाषियों के ऊपर अन्याय है। इन बिसेंड न्यूज के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।